आगे तो आज विमेंस वेडनेस डे है, जहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और विमेंस वेडनेस डे का दिन है और आज महिलाओं के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है कराई जाएगी। तो पहली दर्शक ऋतु भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। ऋतु नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? कोलकाता से। क्या करती हैं ऋतु? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, और आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना खुद बनाया है? हाँ खुद बनाया, वो आप लोग का सब चैनल देख देख के बनाया। अच्छा, तो आप बाजार में वैसे म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी पैसे लगाती हैं क्या? हाँ डायरेक्ट शेयर में भी लगाती हूँ। लगाती हैं, कितने का पोर्टफोलियो है उसमें? उसमें पोर्टफोलियो है 5.5 लाख। 5.5 लाख, वेरी गुड। ये बताइए, तो जो पैसे आप लगाती हैं, वो पैसे आप मतलब आपकी कोई इनकम का जरिया है या आप खुद सेविंग करती हैं? सेविंग करते हैं, फिर हस्बैंड है, फिर बेटी है, वो भी जॉब करती है, और मेरा शेयर से भी इनकम होता रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया ऋतु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपकी जैसी महिलाएं और गृहिणी जो हैं, देखिए किसी से कम नहीं होती हैं महिलाएं। आपके हाथ में पैसे आए और आपने उसको सही जगह निवेश किया, और पति और बेटी तो खैर आपको करते ही होंगे आपकी सहायता, बट आप भी अपने खुद के पैसों को भी निवेश करती हैं जो आप कमाती हैं, बहुत बढ़िया। तो आपके पास कुछ जो फंड्स है, मैं रिपीट कर देती हूँ जो जानकारी हमारे पास है। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, ICICI प्रू का मिड कैप, लार्ज और मिड कैप है, SBI कॉन्ट्रा है, HDFC फोकस्ड फंड है। 3,000 रुपये की आप SIP कर रही हैं और आपको 1 लाख का एक लमसम भी करना है, ये आपने सवाल में डाला है। आप एक और मिड कैप ऐड करना चाहती हैं, ठीक है? तो रिटायरमेंट का आपने एक गोल रखा है, आप 15 साल का समय वैसे आप दे तो रही हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर आपका कॉर्पस कितना आपको चाहिए होगा, कुछ अंदाजा है? 1 CR। ओके, 1 CR केवल इसी पोर्टफोलियो से है ना? हाँ इसे म्यूचुअल फंड से। चलिए ठीक है, तो 24,000 की आपकी आप कितना कर रही हैं? 3,000 रुपये कर रही हैं ना? हाँ, तो इसको बढ़ाएंगी आप? हाँ बढ़ा सकती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अभी जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं ये आपने, खैर आपने कहा कि आप शो देखकर काफ़ी कुछ सीखती हैं, फंड्स भी आपने क्या शो देखकर ही शामिल किए हैं पोर्टफोलियो में? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए ऋतु, और कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद इनफैक्ट आपने अपना सवाल हमें भेजा। हर्ष, ऋतु एक बहुत ही मिसाल और प्रेरणा देने वाली इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक्स भी करती हैं, 5.5 लाख का उनका पोर्टफोलियो भी है, देखिए म्यूचुअल फंड्स भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, और ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी है। कोलकाता से ये फ़ोन कर रही हैं, तो बताइए अब क्या बदलाव और कैसे आगे बढ़ें? कविता, ऋतु जी को मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी सेविंग्स की एक एक हैबिट बनाई है, और जिस हिसाब से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और जो स्कीम्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है, वो सारी चीजों का अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऋतु जी आपके लिए बता दूं, आपकी एग्जिस्टिंग जो आपका पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो 4 स्कीम्स में अभी निवेश कर रही है 3,000 रुपए, वो आप वैसे ही कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक आपका सवाल था कि आपको एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है, तो मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो स्कीम्स आपने जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है उसमें फ्लेक्सी कैप है, उसमें एक लार्ज एंड मिड कैप है, और एक मल्टी कैप फंड है। तो ये जो 3 स्कीम्स हैं, ये तीनों मिड कैप में एक्सपोजर ऑटोमेटिकली ले रही है, तो आपका जो एक्सपोजर है वो मिड कैप में आपको मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक प्योर मिड कैप फंड चाहिए, तो आप एक पैसिव इंडेक्स फंड ले सकते हैं। मिड कैप में भी इंडेक्स फंड का एक ऑप्शन है जो आप ले सकती हैं। तो आपकी एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपके मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में हो रहा है, और ये एक आप एक एक्सक्लूसिव मिड कैप फंड ले सकती है। सो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती है। जहां तक सवाल है आपका 1 लाख रुपए जो लमसम आपको करने हैं, वो आप एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं, आपकी 4 स्कीम्स ऑलरेडी हैं, प्लस अगर आप ये मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़ती हैं, तो ये 1 लाख रुपए को आप डिवाइड करके इन्हीं 5 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करिए। SIP तो चल ही रही है, इसके अलावा आप लमसम के रूप में 20,000 या 25,000 रुपए हर एक स्कीम में आप इन्वेस्ट करके आप इन्हीं में जोड़िए, आपको और कोई नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है।
यही मेरी सलाह आपके लिए रहेगी, कंटिन्यू करते रहिए जो आप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो अच्छा है, और इन्हीं स्कीम्स में आगे जाते हुए भी टॉप अप करते रहिएगा। अच्छी हैं, निवेश को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। कुछ और रिकमेंडेशंस हैं जो हर्ष ने कहा है कि पोर्टफोलियो में आप ऐड करें। कोई और सवाल आप पूछना चाहती हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं सुन पाई मैं, आप दोहराएंगी? कितना बढ़ाना होगा अभी हमको? और अच्छा, 1 करोड़? अप्रोक्सीमेटली, ओके, राइट राइट हाँ राइट। हर्ष, तो देखिए, अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड का आपका पोर्टफोलियो देखूं, और ये 1 लाख रुपीज देख रहा हूं मैं, 12,000 रुपए जो आप हर महीने के कर रही हैं, सिर्फ इसे अगर मैं जोड़ूं तो आप 15 साल बाद करीबन 65 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करता हूँ। तो आपको अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप समझिए कि इससे लगभग डबल आपको करना होगा थोड़ा बहुत। तो अब यह 12,000 कर रही है तो कम से कम 20,000 रुपये महीने की SIP करेंगे तो आप 1 करोड़ का लक्ष्य है वो उसके करीब पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट रितु, और कोई सवाल पूछना चाहें आगे भी तो अपना सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, और सुरेखा हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुरेखा नमस्कार, नमस्कार। कैसे हेलो। हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रहे हो मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। बताइए, कैसे आपकी सहायता करें? मेरी एज 40 ईयर्स है, जी और मुझे अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मुझे, मैंने कुछ 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, और मेरा टारगेट है कि 7 ईयर्स बाद मेरी बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए मुझे 15 लाख चाहिए, और 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए। तो आप मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ फॉर्म सजेशन करें। ऑल राइट। सुरेखा, इस शो में तो मैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपकी सहायता कर पाऊंगी, पर हमारे चैनल पर और भी कई सारे शो हैं जहां पर आपको सीधा स्टॉक्स पर जो है वो सलाह दी जाती है, तो और उसमें आपका सवाल हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे इस रकम को जोड़ पाएंगी। तो क्लियर है, 15 लाख रुपये आपको चाहिए 7 साल के बाद, और 20 साल के बाद आपको चाहिए 3 करोड़। कुल मिला के सुरेखा, आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगी हर महीना, ये मुझे बता सकती हैं क्या? मैं अभी 10 हजार कर सकती हूँ। चलिए, आप शुरुआत कीजिए 10,000 से, और बाद में जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ है, बता पाएंगी? पीपीएफ में मेरा कुछ 1 लाख अभी जमा है। PPF में, जी ठीक है। कोई फिक्स डिपॉजिट? नहीं, मेरा इमरजेंसी फंड है, मुझे वो भी चाहिए कि मेरा इमरजेंसी फंड मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। इमरजेंसी फंड के लिए आपकी कमाई अभी कितनी है हर महीना? 50,000। चलिए, तो इसका आप कम से कम 8 से 12 महीने तक का एक किटी बनाना चाहेंगी। आपको कहाँ डालना है वो आप हमसे सलाह लेना चाहती हैं, ठीक है? सुरेखा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल अपना भेजा हमें। तो हर्ष, थोड़ी सी क्लैरिटी अब आती हुई, दो अहम लक्ष्य हैं इनके जीवन के। अभी फिलहाल 10,000 से वो शुरू कर रही हैं, इसके अलावा उनको एक इमरजेंसी फंड भी अपना चाहिए। तो देखिए कविता, पहले तो इन्हें ना एक इमरजेंसी फंड की तरफ फोकस रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि इन्हें 10,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर मैं सिर्फ 7 साल का जो इनका पहला गोल है, जो 15 लाख रुपए इन्हें 7 साल बाद अपनी बेटी की पढ़ाई के हिसाब से चाहिए, तो वो जाएगा इनका इक्विटी या इन्होंने हाइब्रिड फंड्स में, जिसमें मैंने अनुमान लगाया करीबन अगर 10% आसपास हम अज्यूम करें तो इनका लक्ष्य जो है वो पूरा तो नहीं होता, लेकिन 12 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो इनके पास चॉइस है, या तो ये सिर्फ इमरजेंसी फंड की तैयारी करें, क्योंकि 10,000 रुपये अभी हैं, तो इन्हें अगर सिर्फ इमरजेंसी फंड में अगर कॉर्पस बनाना है तो ये पूरा पैसा शायद एक बार का वहां जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो इमरजेंसी फंड का जो रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाए तब ये बच्चों की पढ़ाई की तरफ कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है। जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है 20 साल बाद, वो फिलहाल इन्हें थोड़ा होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 10,000। सो इनसे सारी चीजें नहीं होगी, आप इमरजेंसी फंड, बेटी की पढ़ाई और खुद का रिटायरमेंट, तीनों चीज 10,000 रुपये में नहीं होगा। तो इन्हें चूज करना होगा कि किस चीज पे इन्हें फोकस करना है, तो उस बेसिस पे कितनी किसकी जरूरत है। अगर इमरजेंसी फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है क्रिएट करने की पहले, तो फिर आप इमरजेंसी फंड पे फोकस रखिए। अगर वो नहीं है तो इमरजेंसी फंड के लिए आप और कोई बंदोबस्त आपके पास अगर है, कोई और फैमिली मेंबर की इनकम के थ्रू आप क्रिएट कर सकती हैं, तो ये 10,000 रुपये आप अपनी बेटी की पढ़ाई के हिसाब से जमा कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि 7 साल बाद हम अज्यूम करते हैं करीबन 12 लाख रुपए इकट्ठा होना चाहिए,
अगर आप एक हाइब्रिड फंड का मॉडल भी लेते हैं तो, और इक्विटी और हाइब्रिड फंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो आप करीबन 12 लाख रुपए तक पहुंचेंगे। सुरेखा आपने सलाह सुनी, कुछ पूछना चाहती हैं हर्ष को? जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, मुझे वो अच्छा, सजेशन आपके चाहिए। पास फंड ऑलरेडी मौजूद है? ओके ओके। जी। हर्ष, सो इमरजेंसी फंड अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो आप इसे एक डेट म्यूचुअल फंड में लगाएं, ताकि आपको जितना भी निकालना आप उस समय निकाल सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए, तो आपने अगर 1 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट किए तो पूरे पैसे आपको एक साथ निकालने होंगे। तो इसके बजाय बेटर है कि आप कोई लो ड्यूरेशन फंड, HDFC लो ड्यूरेशन फंड या ABSL लो ड्यूरेशन फंड, उसमें पैसे रखें, जब और जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। सो लो ड्यूरेशन फंड्स मेरी सलाह रहेगी इमरजेंसी फंड पार्क करने के लिए। सुरेखा, ऑल द बेस्ट आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और अगर आप भी हमारी कोई महिला दर्शक हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो देखिए हर बुधवार को हम वुमेन्स वेडनेसडे हमारी पेशकश लेकर आते हैं। अभी तो ये हफ्ते में एक ही बार है, लेकिन अगर आपको के सवाल लगातार आते रहे तो हम इसको रोज़ाना एक खास पेशकश बना देंगे हमारे शो की, लेकिन वो तब होगा जब आपके सवाल हम तक आते रहेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की बेहद खास पेशकश वुमेन्स वेडनेसडे में, जहां पर हम महिलाओं को आर्थिक आज़ादी की राह पर आगे ले जाने में उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बताते हैं उनको कि कैसे वो अपने आर्थिक फैसले खुद ले सकती हैं और किस तरह से विश्वास और भरोसे की बुनियाद पर वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकती हैं। और इसी कड़ी में आज हम उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवा रहे हैं। हर्षवर्धन रुंगटा मेरे साथ बने हुए हैं और नीलम पाठक मेरी अगली दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ी हुई है। नीलम नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्कार मैम, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। क्या करते हो नीलम? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती हूँ। ओके, और आपने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, जैसे मैं देख सकती हूँ आपके पास स्मॉल कैप है, बंधन का, SBI का, आपके पास मिराय का मिड और लार्ज कैप है, HDFC अपॉर्चुनिटी है, ICICI डिस्कवरी है, टाटा का बिजनेस साइकिल फंड है। नीलम, किसने सलाह दी आपको इस फंड मिक्स को लेके? मैम, मैंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ली थी, लेकिन काफी टाइम हो चुका है, तो मैं जानना चाहती थी कि जिन फंड्स में मैंने अभी निवेश किया हुआ है, क्या ये निवेश के लिहाज से सही है? नीलम, जब आप कह रही हैं कि बहुत समय हो गया है, तो कितना समय हो गया इन फंड्स में निवेश की शुरुआत किए हुए? मैम, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, तो एक बार मैं समझना चाहती थी कि क्या इन फंड्स में निवेश सही है या मुझे अभी इस पोर्टफोलियो में और चेंज करने की जरूरत है। चलिए बताएंगे आपको। इसके अलावा मुझे बताइए करना क्या चाहती हैं इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से, क्या और क्या उद्देश्य है जो पूरा होगा? मैम, मैं अपनी शादी की प्लानिंग और आगे की जो मेरी प्लानिंग्स है, आई मीन घूमने जाना है, जो भी प्लानिंग्स है उनके लिए मैंने ये निवेश किया है। कुछ क्वांटिफाई कर सकती हैं नीलम? बिकॉज हालांकि अच्छी बात यह है कि आपने एक फाइनेंशियल प्लानर अपने लिए रखा और उन्हें कंसल्ट किया, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, इस बात की मैं सराहना देती हूं आपको। लेकिन साथ ही नीलम, अच्छा होगा अगर आप हमें ये बताएं कि शादी के लिए कितने साल हैं, कितना आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट जोड़ना चाहती हैं, बाहर घूमने फिरने का लक्ष्य शायद आपका साल में हर बार होगा, एक बार ही सही लेकिन होगा, उसके लिए आप कितना खर्चा इकट्ठा करना चाहती हैं, थोड़ी क्लैरिटी अगर हमें मिल जाएगी ना, तो आपको उतनी सटीक तरीके से हम रणनीति बता पाएंगे। हाँ, तो मेरे 2 लक्ष्य, एक तो 1 से 2 साल के लिए जो मैं शादी की प्लानिंग कर रही हूँ, और उसके बाद मेरा जो घूमने का प्लान है, तो 4 से 5 साल में, मतलब 1 साल में हम 1 से 2 बार घूमने चाहते हैं, तो उस हिसाब से क्या इन फंड्स में निवेश सही है या मुझे अपना और कुछ चेंज करना चाहिए? एक से दो साल में अगर शादी होती है नीलम, कितना अप्रोक्सीमेट खर्चा आपको जोड़ना है? मिनिमम 5 से 7 लाख के बीच। 5 से 7 लाख। चलिए, घूमने फिरने का खर्चा कितना पकड़ूं, 10-15 लाख? हाँ जी, आराम से 15 से 20 लाख का मैं घूमने फिरने का खर्चा समझ रही हूँ। ठीक है, अभी से 4 से 5 साल के बाद आपका ट्रैवल का लक्ष्य है और अभी से 1 से 2 साल में आपका शादी का लक्ष्य है। जी ठीक है। और राइट नीलम, आपका सवाल अब जवाब लेते हैं उस पर हर्ष का। तो हर्ष, बहुत क्लैरिटी अब आ गई है मेरे ख्याल से, आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान होगा। शादी का जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गोल है, तो आई डोंट थिंक वो बहुत रिस्क ले पाएंगी, हालांकि 2 साल से इस पोर्टफोलियो में वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो क्या कोई बदलाव 2 साल के नज़रिए को लेकर और शादी के लक्ष्य को लेकर, जहाँ 5 से 7 लाख इनको इकट्ठा करने हैं?
सो देखिए कविता, ये जो अगर 1 या 2 साल के अंदर अगर शादी के खर्चे अगर इन फंड से निकालने हैं तो इक्विटी एसेट क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो लक्ष्य है वो 1 साल बाद आने वाला है, तो आप इक्विटी से निकल के आप डेट में जाने लग जाती है, ताकि जो भी आपके गेन्स हुए हैं उसको आप सिक्योर कर लें और फिर जब जैसे जरूरत पड़े आप पैसे खर्च करें। तो इनका अगर लक्ष्य है कि यही फंड्स 1 या 2 साल बाद शादी के टाइम निकाल के यूज करें तो आइडियली नहीं करना चाहिए। और एक दूसरा नजरिया ये है कि क्योंकि इन्होंने 2 साल से ऑलरेडी एवरेज करते हुए आई हैं और शादी का जो खर्चा है उनका जो एस्टिमेशन है वो 5 to 7 lakhs है, अगर मान लीजिए उस समय इन्हें 2 साल बाद या 1 साल बाद जब पैसों की जरूरत पड़े अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट भी करता है तो होपफुली वो लॉस में नहीं होंगी। तो अगर वो चांस लेने को तैयार हैं तो वो इक्विटी में बने रहें और फिर जब जैसे जरूरत पड़े पैसे निकाल लें। जहां तक 4 से 5 साल का सवाल है जो इनके हॉलीडे की रिक्वायरमेंट है, एक बार मानते हैं कि ये जो पूरा अक्यूमुलेशन है वो सिर्फ हॉलीडे के लिए यूज करती है, शादी के लिए यूज नहीं करती, तो अगर हम अनुमान लगाते हैं तो करीबन 10-11 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए अगर यही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, पहली बात तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये इन्हें डिसाइड करना होगा कि इन्हें इक्विटी में ही बने रहना है कि इन्हें शिफ्ट करके ये डेट में शिफ्ट करें और 1 या 2 साल बाद शादी के लिए यूज करें, या बने रहे और शादी या तो ट्रैवल के लिए यूज करें, ये इन्हें डिसाइड करना होगा। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, थोड़ा कंसोलिडेशन करने के स्कोप है तो मैं इनका पोर्टफोलियो छोटा कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग स्कीम्स ही रखेंगे सिर्फ एलोकेशन बदल देंगे। तो इनका 20,000 रुपए जो है वो हर 5-5 हजार करके इनकी 4 स्कीम में निवेश करें, मेरा लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ICICI वैल्यू डिस्कवरी एंड SBI स्मॉल कैप। तो बाकी के 2 स्कीम में बंद करके इन्हीं स्कीम से वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 स्कीम का पोर्टफोलियो बना के आगे चलते हैं। स्कीम्स का पोर्टफोलियो जो आपको आगे चलकर दिया हुआ है, नीलम कुछ और क्लैरिटी क्या आपको चाहिए हर्ष से? तो नहीं मैम, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट नीलम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए। और अगला सवाल हर्ष यूट्यूब से होगा, पूनम यादव ने अपना सवाल हमें भेजा है। और पोर्टफोलियो में ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, निपॉन का मल्टी कैप है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 28 साल की उम्र है और अगले 20 साल तक निवेश करना है, 1 CR का इनका लक्ष्य है, पोर्टफोलियो सही है या नहीं, स्मॉल कैप्स अलग से पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, क्या वो सही निर्णय होगा या नहीं, इनका सवाल है, बताइए। अच्छा आप पूनम के, हर्ष एक सेकंड, पूनम के सवाल का जवाब देना, उससे पहले जितने भी दर्शक, क्योंकि पूनम इकलौती ऐसी दर्शक नहीं है जो स्मॉल कैप या मिड कैप्स को ऐड करवाना चाह रही हैं पोर्टफोलियो में, जिन लोगों के पास नहीं है ना प्योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हर्ष उन्हें हमें यह समझाना होगा कि अगर आपके पास एक फ्लेक्सी कैप है या अगर आपके पास एक मल्टी कैप है तो कहीं ना कहीं आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर पोर्टफोलियो में है। अब वो एक्सपोजर कम है या ज़्यादा है उस पर हम हो सकता है चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अलग से अगर आप कोई स्मॉल कैप डाल लेते हैं या मिड कैप डाल लेते हैं पोर्टफोलियो को रफ्तार तो मिलेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एक्सपोजर? देखिए आपने सही फरमाया कविता कि अगर कोई इन्वेस्टर ने अगर फ्लेक्सी कैप ले रखा है, मल्टी कैप ले रखा है या लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है तो उसका बाय डेफिनेशन ये है कि फंड मैनेजर, फ्लेक्सी कैप है फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयर ले सकते हैं। तो हालांकि उनका बायस लार्ज कैप की तरफ है लेकिन मिड कैप में एक्सपोजर होता है। मल्टी कैप बाय डेफिनेशन है कि आपके 25% मिड कैप में और स्मॉल कैप में 25% होना ही है और बाकी का जो लिमिट होता है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक काइंड ऑफ अ मिथ है कि मुझे एक एक्सक्लूसिव मिड एंड स्मॉल कैप होना जरूरी है। अगर आपके पास मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप है तो आपके पास एक्सपोजर सफिशियंट है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे मिड कैप में एक्सपोजर चाहिए, वो थोड़ी वॉलिटिलिटी लेनी है, तो वो बेशक अपने पोर्टफोलियो में प्योर मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते। सिर्फ समझना है कि ये नहीं कि हमारे पास अगर एक्सक्लूसिव मिड एंड स्मॉल कैप नहीं है तो हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। जहां तक पूनम जी का सवाल है, इसका इनका जो टारगेट है 1 करोड़ का 20 साल में, उसके लिए इन्हें हर महीने की 10,000 की SIP करनी होगी। अभी ये 4,000 की कर रही हैं तो इन्हें अपना SIP बढ़ा के 10,000 तक करना होगा। करंट इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक्सपोलेट करें कि भाई आगे जाते हुए कितना रिटर्न मिलेगा तो करीबन 40 लाख रुपए इकट्ठा होना चाहिए विद दिस 4,000 रुपीज। इनके पोर्टफोलियो में 4,000 रुपए के लिए 4 स्कीम्स हैं। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 4,000 रुपए के लिए आपको 4 स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है, हर एक कैटेगरी में एक्सपोजर लिया है। तो फिलहाल ये चारों स्कीम कंटिन्यू करें, इसलिए कंटिन्यू करें
क्योंकि आगे जाके जब ये अपनी SIP बढ़ाना चाहेगी तो इन्हें नई स्कीम ऐड नहीं करनी पड़ेगी, वो इन्हीं में अपना SIP अमाउंट बढ़ाती रहे, तो इनका पोर्टफोलियो आगे जाते हुए बार बार चेंज नहीं करना होगा। नहीं तो कंटिन्यू करें विद जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, SIP बढ़ाएं तो इन्हीं स्कीम्स में बढ़ाएं, बाकी और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो फिलहाल छोटे मोटे चेंजेस, उसके अलावा कुछ ज़्यादा पूनम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और YouTube से ही अगला सवाल प्रज्ञा प्रसाद का होगा, जो हमारी दर्शक हैं। और हर्ष, इन्होंने SBI की 4 स्कीम्स डाल रखी हैं पोर्टफोलियो में। इनके पास ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, मैग्नम मिड कैप है और एनर्जी अपॉर्चुनिटी है। लमसम इसमें निवेश किया है 50,000 का। इसके अलावा इन्होंने भी 2 स्मॉल कैप डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में, निपॉन का है और एक HDFC का है। 15 साल तक के लिए पोर्टफोलियो में रहना है। और इसके अलावा क्या ऐड कर सकती हैं, और इन सब में ये लमसम अगर निवेश करना चाहें तो वो कब कर सकती हैं? तो एक तो SBI की इतनी सारी स्कीम्स, इसमें क्या करना चाहिए, और दूसरा इन्हीं एग्जिस्टिंग स्कीम्स में अगर लमसम करना हो तो वो रणनीति कैसे अपनानी चाहिए? जी हाँ कविता, सो SBI म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा फंड हाउस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके पास 40 के ऊपर फंड हाउसेज हैं, तो क्यों ना हम अलग अलग फंड हाउसेज या अलग फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा लें। सो 4 SBI की फंड, 2 स्मॉल कैप, सो आई डोंट थिंक ये एक आइडियल तरीका है एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा हम बदलाव करते हैं, जो इनका 24,000 रुपये इन्वेस्ट करिए वो इस प्रकार करें, SBI मिड कैप कंटिन्यू करें और उसमें 5,000 रुपये डालें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000, HDFC की फोलियो है, इन्होंने HDFC स्मॉल कैप में किया था, हम स्कीम चेंज कर रहे हैं लेकिन फोलियो सेम रहेगा, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 करें, और 2 न्यू स्कीम हम ऐड करते हैं ताकि इन्हें डाइवर्सिफिकेशन या अलग अलग स्ट्रेटेजी का फायदा मिले। ICICI प्रूफ वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 और ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 5,000। इसके अलावा बाकी स्कीम्स में से रिडीम कर लें और इन्हीं स्कीम्स में वो वापस री इन्वेस्ट करें। जब लमसम करना होगा तो इन्हीं स्कीम में आप डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा, नई स्कीम्स जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और राइट, चलिए, तो ये बढ़िया जवाब आपने दिया प्रज्ञा को, और इसी के साथ जो है इनको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, आपने इनको एक लार्ज कैप का पैसिव भी रेकमेंड किया है, ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, कोई खास वजह? देखिए, आई नो कि जब आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने करते हैं तो आप एक इंडेक्स फंड, हमने देखा है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर सकते हैं, और उसमें भी हमने एक स्मार्ट बीटा टाइप ऑफ फंड दिया है जिसमें लार्ज कैप में जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उनमें इक्वल एलोकेशन होगा, और ये 50 कंपनियों में 2-2% इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, अनलाइक अ ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड जिसमें आपका वेटेज अलग अलग होता है डिफरेंट कंपनीज का। जो टॉप कंपनी है उसका करीबन 10% वेटेज होगा, जो बॉटम मोस्ट कंपनी है उसमें करीबन 1% इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसे अगर न्यूट्रलाइज करके हम 50 कंपनियों में इक्वल एलोकेशन दे रहे हैं तो दैट इज एन इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इसी के साथ हर्ष, सवाल जवाब के सिलसिले को हम यही थामते हैं, लेकिन वक्त हो गया है आज के निवेश के गुरु मंत्र को जानने का। बताइए हर्ष, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज के लिए? जी हाँ, सो कविता, 31 मार्च के लिए बहुत ही कम दिन रह गए हैं और टैक्स बचाने के लिए लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, मतलब कुछ भी उन्हें आसपास मिलेगा वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मेरी एक ही सलाह है कि सिर्फ टैक्स बेनिफिट के पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप एक प्रोडक्ट को देखें और समझें और अपने आप से पूछिए, क्या इस प्रोडक्ट में अगर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता तो क्या मैं फिर भी इसमें इन्वेस्ट करता? अगर जवाब ना है तो आप बिल्कुल भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके गोल्स को मीट करना, आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। अगर वो पूरा नहीं होता है तो सिर्फ टैक्स बचाने के अपने पैसे ब्लॉक ना करें। जो भी कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, डेट या इक्विटी, जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल है, जो आपके गोल्स हैं, उन कैटेगरीज में टैक्स बचाने के लिए ऑप्शंस हैं। अगर इक्विटी में करना है तो ELSS है आपके पास, डेट में करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस, PPF, NSEs, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे ब्लॉक ना करें, और कोई भी हालत में आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स ना ले लें, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 10-20 साल की ना ले लें। टैक्स बचाना है तो बचाइए बेशक, लेकिन अपने गोल्स को अलाइन करके सही प्रोडक्ट लेके फिर ही इन्वेस्ट करें। ऑलराइट, ये रहा आज का गुरु मंत्र, और बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ हर्ष, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी दिए।